So we were talking about neural tissue, and I had told you that structural and functional unit of न्यूरल टिश्यू क्या है? इट इज न्यूरो. तो पहले न्यूरॉन, न्यूरल टिश्यू से रिलेटेड क्या चीजें, क्या वर्ड्स आ जाते हैं? एक है न्यूरॉन, अनदर इज nerve fiber, another is nerve. Neuron मैंने आपको बताया था has cell body, axon and dendrites. Nerve fiber, axon part of neuron is nerve fiber. जो simple cell body और dendrites को निकाल दो, जो axon part है उसको बोलते हैं nerve fiber. Another is bundles of nerve fibers outside CNS. CNS में क्या आ जाता है? Brain and spinal cord. CNS के बाहर जो मतलब हमारी बॉडी जो आर्म में आ रहे हैं, हैंड में आ रहे हैं, बाकी जगह जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल मतलब ब्रेन को छोड़कर उसके बाहर जितने भी बंडल्स हैं नर्व फाइबर्स के, उनको हम उन बंडल्स को हर बंडल को बोलते हैं नर्व. ठीक है, अगर बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बंडल्स है नर्व फाइबर्स के, दे आर कॉल्ड एज ट्रैक्स. एक है नर्व नर्व, अनदर इज ट्रैक्ट. ठीक है, तो अगर हम बात करें नर्व की, दिस इज अ नर्व, जैसे मसल होता है ऐसे नर्व है, और इसमें दिस इज वन बंडल, इस तरह से बहुत सारे बंडल्स हैं. इस तरह से बहुत सारे बंडल्स हैं एक नर्व में. ठीक है, जैसे एक मसल में बहुत सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर्स हैं, इस तरह से एक नर्व में बहुत सारे बंडल्स नर्व फाइबर्स के हैं. और अगर इसको ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन पीएस, जैसे हम दोबारा से बताते हो, जैसे ये कुकम्बर है, अगर हम इसका थिन स्लाइस काटते हैं, दैट इज टीएस ऑफ कुकम्बर. इस तरह से टीएस ऑफ नर्व, दिस नर्व इज कवर्ड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड एज एपिन्यूरिया.
जैसे वहां पे एक्टिमाइसियम था मसल में, ऐसे यहां पे एपिनियोरियम। इसके अंदर ये बंडल्स है, और ये सब क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की है। पैकिंग टिश्यू होते हैं, दिस इज ए पैकिंग टिश्यू राइट। तो यहाँ पे दीज आर ग्लायल सेल्स अगर हुआ, तो ये जो है दिस इज पेरिनियम। ये जो है दिस इज एंडोनोरियम। एंडोनोरियम के अंदर ये जो है एंडोन्यूरियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, देयर मे बी प्रेजेंट, देयर मे बी विजिबल माइलिन शीथ। There may be visible myelination. This is TS of, you know, nerve. Is it okay? अब neurons जो है, इसमें मैंने क्या बताया था? There is present cell body and processes. Dendrites and axon. Axon can be non-myelinated. It can be myelinated. नॉन माइलिनेटेड में हम सिर्फ एक्सॉन की बात कर रहे हैं, दिस इज सार्कोलेमा एंड this is neurilemma. अंदर वाला ब्लैक जो है ये है एक्सोलेमा, नॉट सार्कोलेमा, आई एम सॉरी, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा ये है श्वान सेल्स ऑफ न्यूरिलेम। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है ये मैं ऐसे लिख रही हूं, ए एल दैट इज एक्सोलेमा डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर
कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉल्ड एज माइलिन शीट। ये शीट है, ये केमिकल की बनी हुई है, सेल्स नहीं है ये, ठीक है। दिस इज माइलिन शीट। ये जो रीजन है जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट है, इट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर, और इसके बाहर This is, you know, ये जो बाहर है ये न्यूक्लियस है। This is न्यूरिलेमा, और ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल्स। न्यूरिलेमा किसकी बनी हुई है, श्वान सेल्स। Is it clear? तो कहां पे माइलिन शीट प्रेजेंट है, इनसाइड न्यूरिलेमा। ठीक, पहले ये बनाओ एक एक करके, फिर हम आगे चलते हैं। सो राइट डाउन आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आउटसाइड, नेक्स्ट पॉइंट करके, आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिन शीट इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, एंड दैट मतलब नर्व फाइबर्स इज सिक्रीटेड बाय न्यूरिलेमा। Is secreted by neurilemma या Schwann cells of neurilemma, एक ही बार। Next point है, जो neurilemma है ये CNS में नहीं है। Neurilemma absent in CNS, brain and spinal cord में neurons के पास neurilemma नहीं है। Therefore माइलिन शीट सिक्रीटेड बाय ग्लायल सेल्स, जो पैकेजिंग सेल्स है, पैकिंग सेल्स है, वो सिक्रीट करते हैं माइलिन शीट इन सीएनएस। माइलिन शीट है क्या है, माइलिन शीट है, दिस इज ए सेलुलर, सेल्स की नहीं बनी है, नॉट फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, दिस इज ए सेलुलर, दिस इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स मीन्स लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। इनको और क्या बोल देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज स्फिंगोमाइलेट्स।
glycolipids, also called as sphingomyelin. So myelin sheath is given. Okay, so it is mainly a fatty tissue of the heart. Mainly a fatty layer. Fatty matlab lipids. जिसमें थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाए, ओके? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स based on number of processes. Processes मैंने बताया dendrites and axon, ठीक है? कितना number है इनका इसके base पे different type के neurons apolar unipolar, bipolar and multipolar. ध्यान से पहले देखना है डायग्राम्स. Apolar, no distinction of processes. Unipolar, single process, that is exon. Bipolar, two processes, one dendrite and one axon. ये dendrite है, ये axon. Many processes. Many dendrites and single axon. पूरा लिखना है आपने, ठीक है? So these are. ध्यान से मैं दोबारा से लिखवा दूंगी आपको, but वैसे ही सुन लो एक बार. Apolar neurons आ जाते हैं cylindrates में, hydra में, जहाँ पे अभी अभी nervous cells, neural cells आई है. जो पोरीफेरा था उसमें कोई नर्वस टिश्यू, कोई नर्व सेल्स नहीं. तो जो सीलेंट्रेट्स है, नाइडेरियंस, दे आर द फर्स्ट टू हैव द न्यूरल टिश्यू. तो उसमें न्यूरॉन्स नए नए आए हैं, हाईली सेंसिटिव. यूनिपोलर हैज सिंगल एक्सॉन, इट इज प्रेजेंट इन अवर एम्ब्रियोस, अर्ली एम्ब्रियोस है उनमें यूनिपोलर. बाइपोलर, दीज आर प्रेजेंट इन अवर रेटिना ऑफ आई. Multipolar, these are the most abundant neurons present in our body. ठीक है जी, next हम आ जाते हैं types of neurons
based on function. दो टाइप के न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। जो सेंसरी है वो कहां से जाते हैं, सेंस ऑर्गन से, सेंसरी पार्ट से, ठीक है। एनवायरनमेंट से कोई स्टिमुलस आया, कोल्ड का स्टिमुलस आया, तो यहाँ पे हमारे रिसेप्टर्स है जिन्होंने वो स्टिमुलस लिया, उस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया और सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में भेजा। उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये ठंडा है, हमारी बॉडी में थर्मोरिसेप्टर्स है। उन्होंने टेम्परेचर रिसीव किया, ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, उसने इंटरप्रेट किया कि ये गर्म है, तो गर्म के लिए हमारी बॉडी ने कैसे रिएक्ट करना है, हमारे मसल्स ने कैसे रिएक्ट करना है, वो ब्रेन मैसेज भेजेगा या स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजेगी टू इफेक्टर्स थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स दे सेंड सेंसरी इंपल्सेस और स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे ट्रांसपोर्ट messages from CNS to effectors जिन्होंने आगे एक्शन करना। इफेक्टर्स क्या है, दैट इज ग्लैंड्स एंड मसल्स, ये इफेक्टर्स है जो आगे। So these are the two type of neurons. Next हम आ जाते हैं बेटा, ध्यान से देख ले, types of nerves based on type of neurons in them. हमारे पास तीन टाइप की नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स इन विच ऑल न्यूरॉन्स आर सेंसरी, दे कनेक्ट receptors to CNS. Motor nerve in which all neurons are motor in nature. They connect CNS with effectors. और तीसरी आ जाती है बेटा मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स जो है हैव सम सेंसरी फाइबर्स एंड सम मोटर फाइबर्स। These are called as mixed nerves. पहले ध्यान से दो तीन चीजें मैं समझाऊंगी, वो समझो। अच्छा, पहले एक चीज और,
ए पोलर के नीचे एग्जाम्पल्स देख लो. ए पोलर फाइंड इन दीज आर फाउंड इन these are found in sealant traits such as hydra. Unipolar example hai early mammalian embryos. Bipolar example है retina of eye. Multipolar example है most abundant neurons found in the brain. Next एक और आ जाइए बेटा. Ganglia and nuclei. गैंग्लिया क्या है? ग्रुप ऑफ साइटोन्स ऑफ न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज गैंग्लिया. न्यूक्लियाई ग्रुप ऑफ साइटोन्स of neurons outside outside CNS. These are called as nuclei. ठीक है जी. Next एक आ जाइए बेटा. Synapse, junction between adjacent neurons. ध्यान से सुनो पहले फिर लिखना. To which nerve impulse moves from one neuron to another. This is called as synapse. यहाँ पे देखो most common synapse it is exodendritic. क्या मतलब है इसका? Axon of one neurons and dendrites of another. मतलब जहां पर axon एक न्यूरोन का axon किसको पास कर रहा है मैसेज? Dendrites of the adjacent neurons in which vice versa नहीं है, ऐसा ही है. एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन पासेस द इंपल्स टू डेंड्राइट्स ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन. इसलिए therefore axon को हम क्या बोलते हैं इसमें? That is afferent process which passes. Afferent means
विच पर्सन्स, कुछ भी जो पास कर रहा है उसको हम कहते हैं एप्रल प्रोसेस, जबकि जो डेंड्राइट्स है इनको हम कहते हैं एफरेंट प्रोसेसेस एज दे रिसीव, जो रिसीव कर रहा है उसको बोलते हैं एफरेंट प्रोसेस, जो पास कर रहा है दैट इज एफरेंट प्रोसेस। बहुत टाइप के सिनैप्स होते हैं बट सबसे कॉमन सिनैप्स है एक्सोडेंड्रिटिक सिनैप्स, जिसमें एक्सॉन से, एक्सॉन एक न्यूरॉन का एक्सॉन, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्सॉन है, ये टर्मिनल आर्बोराइजेशन है या प्री साइनेप्टिक नॉब है, और यहां पे ये जो पोर्शन है ये वाला जो इन दो के dendrites of adjacent neuron and axon of the previous neuron, this portion is called as synapse. मैं अभी आपको बड़ा करके भी दिखाऊंगी. This is synapse, this is axon, these are dendrites. ठीक है, तो इंपल्स कहां से कहां जा रही है, यहां से यहां पर आ रही है. So, this is afferent process, this is efferent process. ठीक, पहले ये सब लिख लो, draw कर लो, फिर मैं इसका डिटेल भी आपको बता. चलिए हम synapse थोड़ा सा इसको डिटेल करके देखें. इसको हम दिखा रहे हैं magnify करके. This is presynaptic knob. ठीक है जी, इसको किया. It has इनको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर, वो केमिकल जो ट्रांसमिशन कर रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, कुछ पहुंचा रहा हो, ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, न्यूरोट्रांसमीटर सच एज, बहुत सारे होते हैं बट एक है एसिटाइल कोलाइन. देन हियर इसको हमने दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेमोरी, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है यहां. एंड
the space between the two. This is called as synaptic cleft. This is synaptic cleft. और इसकी width कितनी है? ये. This is 200 angstrom. और 20 nanometer. This is 20 nanometer. Is it okay? ठीक है समझी? ठीक है, तो आज ये बनाओ, आज हम यहाँ तक करेंगे, next time इसके आगे. ठीक है जी, okay बेटा.